व्हाट्सअप का जिसमें आवाज फिर से आ गए हैं रेड शेडो की वीडियो लगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए जो लाइक करेगा चैनल को प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों करने वाले हैं शार्ट्स को पुल, और मैंने कल की वीडियो बनाई थी कि 10 टाइम्स हमारा इवेंट जो है वो चल रहा है और कौन सा चैंपियन है जो मुझे चाहिए और जो मुझे मदद करेगा गेम के अंदर। तो बात करते हैं फिर से चैंपियंस की। तो जैसे ही बताया तो मेरे पास लेसेंड्रा है, मेरे पास डीकन आर्मस्ट्रांग है, मेरे पास ये सारे के सारे एपिक्स हैं और लेसेंड्रा भी है। ब्लाइंड सीर मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे शायद कहीं काम आएगी, शायद एरिना में काम आएगी, बाकी तो मुझे लगता नहीं कहीं काम आएगी। नेथरल ठीक है, काम चल जाएगा, वैसे मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। पर हाँ लेडी किम काफ़ी बढ़िया चैंपियन है, इसकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, स्पेशली जो हमारी डिक्रीज एक्यूरेसी की स्किल है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, और साथ में ब्लॉक बफ की भी जो कि एरिना के अंदर काफ़ी ज़्यादा, साथ साथ अपनी अपनी भी क्या कहते हैं सारे एलएस की भी एक्यूरेसी को बढ़ाती है जो कि डूम टावर के अंदर बहुत काम आएगी। सो देखते हैं क्या आता है हमें। चांसेस हमारे वही हैं जो 6% जो है अपना लेजेंडरी सेकेट से और एंशिएंट से 0.5%। तो हमने कितने सारे शार्ट्स पुल कर लिए हैं ये तो मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक 60-70 के आसपास एंशिएंट शार्ट्स और 4-5 के आसपास मैं सेकेट शार्ट्स को पुल कर चुका हूँ। पर मेरा ऑलरेडी जब मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारे एपिक्स और लेजेंडरी जो है मिल चुके हैं तो अब मैं ज़्यादा उम्मीद जो है नहीं कर सकता। जैसे कि हमें डचिस मिली थी और हमें मिला था जिनटोरो जो हमारे वॉल्ट के अंदर यहाँ पे चुपचाप से पड़ा हुआ है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी टाइम आएगा तो इन भाई साहब को भी हम बिल्ड करेंगे। सो बाकी गेम में क्या चल रहा है भाई, गेम के अंदर मैं अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा हूँ, रूम टावर वगैरह सही चल रहा है। चलिए आइए खोलते हैं शार्ट्स, ज़्यादा शार्ट्स मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि आगे के लिए मुझे बचाने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शार्ट्स को नहीं खोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपने शार्ट्स को पुल करना। अब मैं सोच नहीं यार 10 पुल करूँ या एक एक पुल करूँ, कोई पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे क्या करना। कोई बात नहीं, खोलते हैं एंशिएंट्स को और एक एक करके खोलूँगा। आई थिंक शायद 10-12 से ज़्यादा मैं शार्ट्स को नहीं खोलूँगा। ओके एबिस बहुत बढ़िया चैम्पियन है, रेटिंग देखो भाई इसकी, बहुत बड़े चैंपियन है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और क्लैन बॉस आई थिंक इसकी एक कड़ी काफ़ी अच्छी स्किल है, ब्लॉक बफ और हील करता है सारे एलाइज को, काफ़ी ज़्यादा आपको काम आएगा। एक और चीज़ चेक करनी है, आई थिंक शायद मैं शार्ट्स को कहीं पे बाय भी कर सकता हूँ बाज़ार के अंदर, शायद मेरा बाज़ार में ओपन हो चुका होगा या ऑलरेडी, और या यहाँ पे भी मैं एंशिएंट शार्ट को बाय जो है वो कर सकता हूँ। और वॉइड शार्ट अभी मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे एक मिशन करना है, जो कि जब मिशन आएगा तब मैं वॉइड शार्ट को खोलूंगा। तो यहाँ चलते हैं फिर से अपने शार्ट्स को खोलें, वापस 25 शार्ट जो है हमारे पास हो गए हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा, कितने एपिक्स मिलेंगे। आई थिंक 2 एपिक्स और एक भी लेजेंडरी नहीं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। और फर्स्ट सारे के सारे आ रहे हैं, फ्रेशमोंगर नहीं भाई, फ्रेशमोंगर में क्या था, ग्रांट एक्स्ट्रा टर्न डिग्री डिफेंस का 75% चांस, ओके ठीक है, ओके ज़्यादा बुरा नहीं है। नेक्स्ट भाई ये जब एनिमेशन स्लो होती है ना तब आता है, मार्क्ड काफ़ी अच्छा चैंपियन है, ब्लॉक बफ और इंक्रीज डिफेंस लगाती है, वेरी वेरी गुड चैंपियन, डिक्रीज एक्यूरेसी भी करती है, काफ़ी अच्छा चैंपियन है। इसको भी लेवल 50 तक बिल्ड कर सकते हैं, आपको बारबेरियन के अंदर फैक्शन वॉर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एपिक 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 एपिक, ओके मेरे पास मोस्टली सारे एपिक्स हैं तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई नॉन डुप्लीकेट मिलेगा। और रॉक ब्रेकर काफ़ी सॉलिड चैम्पियन है, स्पेशली फैक्शन वॉर्स एरिना के अंदर भी आपको कल हेल्प कर सकता है, कुछ स्टेजेस के अंदर आपको शुरू शुरू में डूम टावर के अंदर भी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये लगाता है 100% चांस ऑफ प्रवोक, बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं लगती इसको, 4, 8, 9, 10, 11 तो वियाली भी है, साथ साथ जो है इसका पैसे भी काफ़ी अच्छा है, डैमेज जो है इसको काफ़ी कम लगता है, साथ साथ एरिना में डिफेंस जो है आप इसको लीड भी लगा सकते हैं, काफ़ी सॉलिड चैंपियन है। आप यस लेवल 60 इसको कर सकते हैं, मैंने इसको कर रखा है, हाँ इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, चलिए थोड़े टाइम में, पर ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है तो वीडियो बनानी काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। चलो एक एपिक तो हो गया, एक और एपिक की अब जो है मुझे उम्मीद है, अब कब मिलेगा आई डोंट नो। कुगरे कुडगलर पता नहीं क्या नाम है, क्या है भाई, काउंटर अटैक ग्रांट एक्स्ट्रा टर्न ना ना, ओके हो अब समझ नहीं आ रहा, शार्ट जो हमारे पास पड़े होते हैं ना तब भाई साहब उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। फिर से एविसल आ गया, काफ़ी बढ़िया चैंपियन है,
क्या कह रहा था, शार्क जो पड़े होते हैं तो उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब टू टाइम्स चांस होता है तब तो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि अपने आप को आप रोक पाएँ अपने शार्क्स को करने के। तभी तभी हर हफ्ते शार्क्स की वीडियो, शार्क्स पुलिंग की वीडियो निकालती है, इवेंट्स निकालती है, ताकि लोग अपने जितने जल्दी शार्क्स फूकेंगे काफ़ी अच्छे चैंपियंस आएंगे तो भैया लोग जो है और ज़्यादा पैक्स वगैरह जो है वो बाय करेंगे। ओके, हॉस्पिटली लेलर नहीं भाई, ये नहीं चाहिए हमें, एक बढ़िया सा लेनरी दे दो भाई, क्या चले जाएगा तुम्हारा। या हेल बाउंस पाइट भी काफ़ी है चैंपियन है, क्या खास है इसके अंदर, 3 टर्न कूलडाउन पे इंक्रीज क्रिटिकल रेट लगाती है और बफ की ड्यूरेशन जो है लगाती है, बहुत ही सॉलिड चैंपियन है, आप इसको क्लैन बॉस के अंदर यूज़ कर सकते हैं फ्री टू प्ले प्लेयर के हिसाब से, क्योंकि रेयर बुक्स मिलनी भी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, और साथ साथ A1 पे वीकन का भी चांस है, तो अगर आप चाहें तो इसकी A1 और A3 खाली एनेबल कर सकते हैं, बाकी स्किल को कर दो डिसेबल और आपका बड़ा ही मज़ा आएगा। 3 टाइम हिट करती है, आई थिंक इस वाली स्किल को भी यूज़ करना चाहिए, पर ये डैमेज ज़्यादा नहीं करेगी, फिर आपको क्रिटिकल के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा चैम्पियन है, काफ़ी अच्छा रेयर है। ओके, एंड अभी के लिए इतना ही, सबसे बखसूरत गेम है वेगा बॉन्ड, इनका सबसे बखसूरत चैंपियन, मैं सोच रहा हूँ एक सेक्रेट चार्ट खोल दूँ, लेजेंडरी मिलेगा 99.9% नहीं, मैं लेजेंडरी 94% नहीं मिलेगा। ओके, एपिक, और ये क्या है, टार्शोम, ये कौन है, क्या करता है भाई तुम, क्या करते हो, अटैक वाली बीस प्रोवोक 35% चांस, नो बडी केयर्स, 100% चांस ऑफ 25% वीकन, ओके थोड़ा ठीक है, प्लेस इंक्रीज डिफेंस बफ ऑन ऑल लाइफ फील टर्मिनेट बाय 20%, ओके ये काफ़ी अच्छी स्किल है भाई, ये चैम्पियन तो बढ़िया है, रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। पैसिव क्या है, प्लेस टेंडन ऑन दिस चैम्पियन फॉर 2 टर्न, अगर जब भी इसकी HP लो हो जाती है, तो ये काफ़ी सॉलिड चैम्पियन और डिफेंसिव चैम्पियन है। लेट्स सी, मेरे पास ये आई थिंक है नहीं, तो भैया थोड़ा सा बचाव करके रखते हैं, और कहाँ गया भाई हेल बॉन्ड स्पाइट, मेरे पास नहीं भाई, मुझे मैगनार चाहिए था। आप देख ही सकते हैं सारे के सारे मेरे पास चैंपियन, ये घटिया से इन्फर्नो बेनस ही नहीं है। यस, तो अगर मुझे मैगनार मिल जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा सच्ची में, और काफ़ी ज़्यादा हिट हार्ड करता है। मेन न्यूकर को मैं इसी को यूज़ करूँगा, आई थिंक वहाँ पे भी यूज़ करूँगा डूम टावर के अंदर, तो देखते हैं। ताशों, यस मेरे पास नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, अब काफ़ी सारे एपिक्स तो मेरे पास और ही इकट्ठे हुए, डुप्लीकेट एपिक नहीं है तो भैया हमारे लिए थोड़ा बढ़िया हो गया। 5 इंशेंट्स और खोलूँगा और फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। नहीं यार, 5 में शार्ट्स को वेस्ट नहीं करना चाहता यार, मैं अपने बचा के रखता हूँ, चलो शार्ट, चलिए कोई बात नहीं, 1 सेकेंड और खोलेंगे या एक वॉइड खोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, वॉइड का 2 टाइम चांस अभी हमारा कम से कम 2 हफ्ते बाद आएगा, तो स्क्रैपर नहीं, स्क्रैप इज़ अ क्रैप चैम्पियन। चलो आखिरी से छाट, कुछ भी नहीं मिलना हमें, और आई थिंक अभी के लिए यहाँ के लिए तो एपिक चैम्पियन और डुक द पियस्ट मेरे पास ऑलरेडी है, अच्छा चैम्पियन है, पर मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसको बिल्ड अभी नहीं करा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर काफ़ी है चैम्पियन, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए 1 इंशेंट यार खोल ही लेते हैं भाई, रुक रुका नहीं जाता, शार्ट जब पड़े होते हैं भाई साहब क्या बोलूँ मैं। फर्स्ट इज द गून, ओके, तो आई थिंक अभी के लिए छोटी मोटी वीडियो बनाने के लिए हमारा काम हो ही गया है, शार्ट खोले हैं, कुछ खास नहीं मिला, पर एपिक्स हमें काफ़ी अच्छे मिले, रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिले, मैं ऑलरेडी हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चैंपियन है तो डेफिनेटली उनको बिल्ड आप कर सकते हैं। तो सभी के लिए ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।